हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स के पहले लेसन के कुछ न्यूमेरिकल के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में भी आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल करवाया गया था, आज भी इस वीडियो में हम दो चार न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए, आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है, +2 माइक्रोकूलाम तथा +6 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। +2 माइक्रोकूलाम +6 माइक्रोकूलाम दोनों की प्रकृति जो है वो सेम है, दोनों धनात्मक प्रकृति के हैं, तो समान प्रकृति के होने के कारण ये क्या करेंगे, एक दूसरे को बल से प्रतिकर्षित करेंगे। इसके बाद क्या दिया गया है, यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलाम का आवेश और दे दिया जाए तो अब बल कितना हो जाएगा। कहने का मतलब, सबसे पहला कंडीशन क्या दिया गया है, इसमें +2 माइक्रोकूलाम और +6 माइक्रोकूलाम के आवेश हैं, तो इनको पहली स्थिति मान करके आप यहाँ लिख सकते हैं कि अगर ये दो आवेश दिए गए हैं +2 माइक्रोकूलाम और +6 माइक्रोकूलाम और ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होंगे, या डिस्टेंस नहीं दिया गया है, तो इस डिस्टेंस को आप मान सकते हैं, R से मान लिया जाए। ये पहला चार्ज जो है इसको आप Q1 नाम दे सकते हैं, दूसरा चार्ज जो है इसको आप क्या नाम दे सकते हैं, Q2 नाम दे सकते हैं। अब ये दोनों आवेश जो है एक दूसरे से 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं F1 = 12 न्यूटन। अब यहाँ से अगर आगे स्टेप देखा जाए तो आगे स्टेप में क्या दिया गया है, यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलाम का आवेश और दे दिया जाए तो अब बल कितना होगा। तो सबसे पहला आप पॉइंट इसमें क्या देख रहे हैं, -4 माइक्रोकूलाम का आवेश और दिया जा रहा है, किसको, इन दोनों आवेशों को। तो अब यहाँ से यही जो दोनों आवेश हैं जितने डिस्टेंस पर हैं ये उतने ही डिस्टेंस पर रहेंगे, डिस्टेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं किया जा रहा है, केवल और केवल जितना आवेश पहले था उतना ही है, अब उस पर प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलाम आवेश और दे दिया गया है। तो इसी को आप मान लेंगे, ये जो Q1 था Q2 था, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, R था, डिस्टेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं किया गया है, डिस्टेंस जितना था डिस्टेंस उतना ही है अब भी, लेकिन अब ये जो चार्ज था इसको -4 माइक्रोकूलाम चार्ज और दे दिया गया है, तो दे +2 और ये जैसे कि पहले +2 माइक्रोकूलाम था, अब इसको -4 माइक्रोकूलाम और दे दिया गया, तो कहने का मतलब इसमें आप ऐड कर लेंगे कितना, -4 माइक्रोकूलाम। तो अगर इसको हल करेंगे तो +2 और +- का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि +2 और -4, तो कितना मान आ जाएगा, +2 - 4 यानी कि -2 माइक्रोकूलाम। तो अब ये जो चार्ज था -4 माइक्रोकूलाम चार्ज पाने पर ये कितना हो गया, -2 माइक्रोकूलाम हो गया। अब ठीक इसी तरीके से ये +6 माइक्रोकूलाम है, इसको भी -4 माइक्रोकूलाम चार्ज दिया जा रहा है, तो जब -4 इसको और दे देंगे तो बताइए टोटल मिलकर के कितना हो जाएगा, +6 - 4 मिलकर कितना आ जाएगा, +2 माइक्रोकूलाम। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, +2 माइक्रोकूलाम, डिस्टेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। अब बताइए चार्ज बदल गया लेकिन डिस्टेंस तो वही है ना, तो Q1 और Q2 चार्ज था, तो अब ये -4 माइक्रोकूलाम चार्ज पाने के बाद मान लेते हैं अब ये कितना, इसे डिनोट कर दिया जाए Q1 - और इसको किससे Q2 -
तो अब कहा जा रहा है कि इस कंडीशन में यानी कि दूसरे स्थिति में, पहला स्थिति अगर माना जाए 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहा था, क्यों? क्योंकि आवेशों की प्रकृति एक समान थी। -4 माइक्रो कूलम का आवेश दोनों को देने पर अब कहा जा रहा है कि अब ये जो चार्ज होंगे इनके बीच कितना बल लगेगा। और अगर बल की बात किया जाए तो ये बल कैसा होगा, यहाँ से आप देख रहे हैं कि -2 और यहाँ पर क्या है +2, यानी कि आवेशों की प्रकृति अलग अलग हो गई, यानी कि विजातीय जो आवेश होते हैं इनके बीच आकर्षण बल लगता है। तो ये कौन सा बल होगा, ये आकर्षण बल होगा। इसी आकर्षण बल का मान आपको ज्ञात करना है। और इस कंडीशन में क्या था, प्रकृति समान था, यानी कि ये जो था वो कैसा बल था, ये प्रतिकर्षण बल था। ठीक, तो इसी F2 का मान आपको ज्ञात करना है। तो चार्ज से संबंधित अगर फोर्स की बात की जाती है तो वो फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, और इस इलेक्ट्रिक फोर्स को किसने दिया, कूलाम ने दिया। तो कूलाम के अनुसार अगर देखा जाए तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कूलाम के अनुसार, कूलाम के अनुसार क्या इन्होंने फार्मूला दिया है, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R2। यह कंडीशन हो गया। यहाँ पर माध्यम की बात नहीं किया गया कि ये दोनों आवेश जो है किसके बीच रखे गए हैं, किसी परावैद्युत के बीच रखे गए हैं या वायु या निर्वात में रखे गए हैं, ये कंडीशन नहीं दिया गया है। तो आप यहाँ पर K यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी यूज कर सकते हैं। तो K अगर यूज ही कर लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले स्थिति में अगर K रहेगा तो दूसरी स्थिति में भी K रहेगा, तो कोई भी इसमें डिस्टर्बिंग वाली बात नहीं होगी। तो ये तो F1 की बात हो गई। ठीक, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर इस F2 की बात किया जाए तो इस F2 का मान कितना होगा, 1/4πε0 K। अब यहाँ पर आप देखो माध्यम जो यहाँ पर था वही कंडीशन माध्यम वही होगा दूसरे कंडीशन में भी, क्योंकि बीच के डिस्टेंस को ना तो चेंज किया जा रहा है, यानी कि R था तो R ही है, और ना ही माध्यम को भी डिस्टर्ब किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर भी परावैद्युतांक जो है वो वही रहेगा, यानी कि K ही रहेगा। तो अब यहाँ से दूसरे कंडीशन में अगर फार्मूला देखा जाए तो F2 = 1/4πε0 K Q1 Q2 अपान कितना हो जाएगा, R2। ये इक्वेशन क्या हो गया आपका, सेकंड हो गया। अब आपको किसका मान निकालना है, F2 का मान निकालना है। तो अब आप क्या करिए, इक्वेशन फर्स्ट में या तो सेकंड से भाग दे दीजिए या फिर सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट से भाग दे दीजिए, जैसा मर्जी करे आप वैसा कर सकते हैं। तो चलिए भाग दे दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दिया जाए कि समीकरण फर्स्ट भागा समीकरण सेकंड से, यानी कि फर्स्ट में सेकंड से भाग दिया जा रहा है। तो अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे, F1 इसका LHS और इसका LHS, ठीक इक्वल टू, अब देखो कुछ मान जो है वो कांस्टेंट हैं तो वो कैंसिल हो जाएंगे। कहने का मतलब इसमें जो वैल्यू दिया गया है, इसमें जो वैल्यू दिया गया है, तो कुछ वैल्यू सेम है, तो जब डिवाइड करेंगे तो वो वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। या फिर RHS जैसे ये पूरा टर्म आप लिखे और ये पूरा टर्म लिखेंगे बटे के रूप में, तो ये 1/4πε0 ये कैंसिल हो गया, साथ ही साथ R2, और यहाँ से भी बटे में करेंगे तो R2 ये कैंसिल हो जाएगा। यानी भाई इतना पूरे का अपान कर दीजिए, ये वाला पोर्शन तो जो सेम सेम है वो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ से, Q1 Q2 अपान, इस सेकंड वाले इक्वेशन में क्या बचेगा, Q1 Q2। अब देखिए सभी मान आपको पता हैं, सभी मानों को आप लिख देंगे और इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, यहाँ से स्पेस थोड़ा कम है, यहाँ से ध्यान देंगे आप, F1/F2 है तो F1 की वैल्यू कितना है, 12 है, बटे F2 का मान आपको ज्ञात करना है। क्या लिख देंगे, F2 = Q1 का मान देखिए कितना है, +2 माइक्रो कूलम,
अब यहाँ पर ध्यान देंगे चीज़ की प्लस कुछ जगहों पर माइनस है, तो प्लस माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्रकृति के अनुसार फोर्स होता है वो रिपल्सिव फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स आएगा, उसकी बात किया जाएगा। तो यहाँ पर आवेशों को आप न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखेंगे, न्यूमेरियल वैल्यू में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए Q1 Q2, तो Q1 की वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं आप कितना, 2 माइक्रो कूलाम, तो 2 लिख दीजिए इनटू Q2 है, Q2 का मान कितना है प्लस 6 माइक्रो कूलाम, 6 लिख देंगे अपान। यहाँ से देख रहे हैं Q1 डैश, तो Q1 डैश की वैल्यू कितना है -2, तो माइनस में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आंकिक मान में लिखेंगे 2 और गुड़े Q2 डैश की वैल्यू कितना है, यहाँ पर भी +2 माइक्रो कूलाम है, तो 2 लिख देंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, चाहे जैसा आप सॉल्व करिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6। अब देखिए यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3, ये कैंसिल हो गया, 3 4 12 यानी 4 हो गया। तो कितना मान आया, 4 अपान F2 = अंश में कोई मान नहीं बच रहा है, हर में भी कोई मान नहीं बच रहा है, यानी कि 1 आएगा, 1 अपान 1 यानी कि 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर F2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, F2 = यहाँ से 4 यानी कि F2 = 4 न्यूटन, इतना बल आ जाएगा। तो क्वेश्चन का सलूशन आपको क्या मिला, कि अगर दोनों आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर थे, जिनका मान दिया गया था पहले ये 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे थे, तो अब अगर इन्हीं प्रत्येक आवेश को -4 माइक्रो कूलाम का और आवेश दे दिया गया, तब बल का मान पूछा जा रहा था। तो पहले कंडीशन में फार्मूला लिख करके, दूसरे कंडीशन में फार्मूला लिख करके आप इसको डिवाइड कर देंगे, पहले में दूसरे से या दूसरे में पहले से, तो इस तरह से जो है कुछ वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे, जो वैल्यू दिए गए हैं सब वैल्यू को दे लिख करके आप उसको सॉल्व कर लेंगे, F2 = 4 न्यूटन आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ बल की बात की जाएगी, आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण, तो यहाँ पर सेकंड स्थिति में देख रहे हैं एक माइनस है एक प्लस है, यानी कि ये विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, तो 4 न्यूटन के बल से अब क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अब हम दूसरे क्वेश्चन की देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले क्या है। क्वेश्चन कहा गया धातु की 2 सूक्ष्म गोलियां एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, तथा प्रत्येक का द्रव्यमान 10^-2 किलोग्राम है। एक गोली से दूसरी पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कराए जाएं कि उनके बीच वैद्युत आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल का 3.46 गुना हो। तो सबसे पहली बात तो आप ये जान लेंगे कि अगर कभी भी हम कंपैरिजन करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल की और वैद्युत बल की, तो वैद्युत बल सदैव गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में प्रबल होता है। इस पर आप लोगों को एक पूरा लेक्चर दिया जाएगा, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की कंपैरिजन का। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे, फिलहाल यहाँ पर आप क्वेश्चन समझेंगे। देखिए जो वैद्युत बल है ये गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना कहा गया है, 3.46। तो सबसे पहली बात आप वैद्युत आकर्षण बल, तो वैद्युत बल को हम किससे लिखते हैं, F से। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल की बात किया जाए तो इसको भी आप F से लिख दीजिए। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स है तो इसको डिनोट कर दीजिए Fe से। गुरुत्वाकर्षण बल है तो इसको डिनोट कर दीजिए Fg से। ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। यहाँ पर एक बात और भी आप जानेंगे, वैद्युत बल जो है इसको किसने दिया था, कूलाम ने, जैसा कि पूरी चर्चा कर दी गई है। गुरुत्वाकर्षण बल की बात किया जाए तो किसने दिया था, न्यूटन ने। क्लास 9 से ही आप लोग पढ़ते चले हैं, एक फार्मूला भी बताया गया होगा, उसी फार्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ये जो वैद्युत आकर्षण बल है Fe, ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल का 3.46 गुना। तो गुरुत्वाकर्षण बल का कितना, 3.46 गुना। तो इसमें आप
मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं 3.46 इंटू एफ जी यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। अब करना क्या है, देखो क्वेश्चन में जो चीज़ें दी गई हैं उस चीज़ को अभी छोड़ दीजिए, यहाँ पर जो मान दिया गया है इसके अनुसार अगर आप और आगे स्टेप बढ़ना चाहते हैं तो कैसे बढ़ेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए एफ ई यानी कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो कूलाम के नियम के अनुसार क्या आपने पढ़ा है इसका मान, देखो ये धातु की दो सूक्ष्म गोलियाँ एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, तो कोई माध्यम नहीं दिया गया है, तो आप निर्वात या वायवीय समझेंगे या माध्यम ही समझ लेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ से एफ ई का मान अगर डायरेक्टली वैल्यू आप रखना चाहते हैं, जैसे देखिए 1/4π ε0 k रखते हैं, ठीक, Q1 Q2 / क्या चीज़ r² यह चीज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी पूरी की वैल्यू कितना है, 9 × 10⁻⁹, इस वैल्यू को आप यहाँ पूरा पूरा डायरेक्टली लिख दीजिए Q1 Q2। अब देखो क्या Q1 और Q2 के अलग अलग मान होंगे या नहीं होंगे, इसको हमें समझना है। धातु की दो सूक्ष्म गोलियाँ 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, प्रत्येक का द्रव्यमान दिया गया है, कहा गया एक गोली से दूसरे पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कराएं, तो एक से जब दूसरे पर स्थानांतरित कराएंगे तो पहले पर जितना आवेश उत्पन्न होगा दूसरे पर भी उतना ही आवेश उत्पन्न होगा, लेकिन प्रकृति उन दोनों की क्या होगी, अलग अलग। तो प्रकृति अलग अलग होने के कारण जो है वो कौन सा बल उनके बीच कार्य करेगा, आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करेगा, इसीलिए यहाँ पर वैद्युत आकर्षण बल लिखा भी गया है लैंग्वेज में। तो ये एफ ई की वैल्यू हो गया, और Q1 Q2 जो है इन दोनों की वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी कि Q1 बराबर Q2 रहेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में अभी मैं इसको अप्लाई कर लूँगा कि ये जो Q1 है इस Q1 की वैल्यू क्या होगा, Q2 के बराबर होगा, और इन दोनों मानों को हम किससे मान लेंगे, Q से मान लेंगे, इसको हम मान सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम अप्लाई कर देंगे इक्वल टू ये मान कितना दिया गया 3.46 इंटू एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन के अनुसार क्लास 9th से आपने क्या पढ़ा है कि एफ इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल जी m₁ m₂ / r², यही तो वैल्यू होता है। यहाँ से इस जी का मान कितना 6.67 × 10⁻¹⁰ क्या चीज़ Nm² / kg², ये चीज़ आप जानते हैं, ठीक। और ये एफ ही था जिसको कि कूलाम ने दिया, तो कूलाम के अनुसार ये यानी कि Q₁ Q₂ / r² यहाँ पर यूज होता है, यहाँ पर m₁ m₂ / r². वैद्युत बल जो रहता है वो आवेशों के बीच कार्य करता है, और जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो किसके बीच कार्य करता है, पिंड के द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है। और ये जो नियतांक होते हैं इसमें अलग नियतांक होता है और इसमें जो है वो अलग नियतांक होता है। तो एफ जी के स्थान पर अब बताओ क्या लिखोगी, कैपिटल जी। अब जैसे कि यहाँ पर 1/4π ε0 की वैल्यू आपने कितना यूज़ किया, 9 × 10⁻⁹, ठीक उसी तरीके से एफ जी जब आप यूज़ करोगे ये वाला फार्मूला, ठीक है ये वाला फार्मूला, तो बताइए कैपिटल जी आएगा, तो यहाँ पर आप कैपिटल जी लिख सकते हैं, आगे स्टेप आपका बढ़ता जाएगा तो आगे स्टेप ना बढ़ता जाए इसलिए आप इसको डायरेक्टली मान यूज़ कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको समझाया कैपिटल जी के स्थान पर क्या करेंगे, ये वाला मान आप लिखेंगे, तो इस वाले मान को लिख दिया जाए 6.67 × 10⁻¹⁰ गुणे। अब यहाँ पर देखो जी का मान यूज हो गया, अब यहाँ पर कितना बच रहा है m₁ m₂ / r², तो आप यहाँ पर m₁ m₂ / कितना करेंगे r², तो ये r² लिख देंगे। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए, यही मेन स्टेप है। अगर ये पहला लाइन आप नहीं समझ पाए तो पूरा क्वेश्चन समझ लीजिए कि नहीं लगा पाएंगे आप। अब यहाँ पर ध्यान देंगे एक चीज़ और, यहाँ पर क्या दिया गया, दोनों सूक्ष्म गोलियाँ ली गई हैं, प्रत्येक का द्रव्यमान कितना दिया गया है 10⁻²⁰ kg। कहने का मतलब जैसे यहाँ Q₁ Q₂ का मान क्यों मान लिया गया था, इसका मान तो पता नहीं है, ऐसे ही यहाँ पर m₁ m₂ है, यानी कि इस m₁ का मान m₂ के बराबर है और प्रत्येक का मान कितना है 2 kg, नहीं सॉरी 10⁻²⁰ kg ये मान दिया गया है। तो अब सभी वैल्यूज़ को आप पुट कर सकते हैं, सभी मानों को रखिए, देखिए क्या मान मिलेगा। यहाँ से r² और r² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से देखा जाए तो ये Q₁ Q₂ है, Q₁ Q₂ का मान दोनों का मान सेम है, Q₂ रहेगा, तो जब Q₂ रहेगा तो यहाँ से Q × Q कितना हो जाएगा, Q² हो जाएगा, ठीक।
इंटू यहाँ पर 9 इंटू 10 टू दी पावर कितना 9 इसकल टू यहाँ पर देखिए पूरा मान जो दिया गया इसको लिख लेंगे 3.46 इंटू 10 इंटू 6.67 10 टू दी पावर माइनस 11 इंटू यमोनियम 2 दोनों का मान कितना 10 की घात माइनस 2 के जी तो M1 का मान 10 की घात माइनस 2 और M2 का मान भी कितना 10 की घात माइनस 2। अब देखो हमको निकालना क्या था, एक गोली से दूसरे गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Cn का मान आपको निकालना है। तो n का मान कैसे मिलेगा, जब तक आपको आवेश नहीं पता चलेगा तब तक आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि Q इक्वल टू क्या होता है n इंटू E। तो इसलिए आपको सबसे पहले Q का मान निकालने की ज़रूरत है, तो Q का मान आप सॉल्व कर लीजिए पहले, उसके बाद इसी में n छिपा हुआ है तो n का मान मिल जाएगा। अब देखो Q स्क्वायर है तो Q स्क्वायर करेंगे इक्वल टू ये पूरा वैल्यू जो दिया गया है, इस पूरे वैल्यू को जो है आप लिख डालेंगे 3.46 इंटू ये कितना है 6.67 इंटू 10 टू दी पावर, इसको आप हल कर लीजिए देखिए कितना मान आएगा, माइनस 11 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 और माइनस 11 कितना हो गया माइनस 15 हो गया। ठीक, तो माइनस 15 आप लिख देंगे पूरे का बटे, यहाँ से देखो ये गुणे के रूप में है तो ये बटे के रूप में आ जाएगा, तो कितना 9 गुणे 10 की घात कितना हो गया 9 हो गया। अब क्या करना है इसको और आगे सॉल्व करिए, ये दोनों मान जो हैं 3.46 इंटू 10 इंटू 6.67 अपान 9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 15 है, ये 9 ऊपर जाएगा तो माइनस 9 हो जाएगा, तो माइनस 15 और माइनस 9 माइनस 15 और माइनस 9 कितना हो जाएगा 15 5 20 4 24 10 की घात माइनस कितना हो गया 24 हो गया। अब देखो क्या करना है आपको, पूरा जो है आप गुणा कर डालिए, पूरा गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद में क्या करना है 9 से भाग करना है, या फिर पहले 9 से आप इसको डिवाइड कर लीजिए, जितना मान आए उसको आप गुणा कर लीजिए। ठीक, तो आप लोग गुणा कर लीजिएगा, इस मल्टीप्लाई को जितना मान आएगा उतना मैं लिख दे रहा हूँ, सॉल्व किया हुआ मान है 2.56424 इंटू ये सॉल्व करने पर इतना मान आएगा इंटू 10 टू दी पावर कितना माइनस 24 है, तो 10 टू दी पावर माइनस 24 कर दिया गया। अब देखो यहाँ से क्यू स्क्वायर है, अब क्यू स्क्वायर मान है इसको थोड़ा और आसान कर लिया जाए, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2, अब इस पॉइंट को अगर यहाँ कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 256.424 इंटू 10 टू दी पावर, देखो दो अंक आप राइट साइड में ले गए हैं तो इसलिए दो अंक क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी 10 की घात कितना माइनस 2। हमेशा आप पॉइंट को अगर राइट साइड में ले जाते हैं तो 10 की घात जितना अंक ले जाएंगे वो हमेशा माइनस में रहेगा, और कभी भी अगर पॉइंट को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो हमेशा वो मान किस में रहेगा 10 की घात हमेशा प्लस में, जितना अंक आप लाएंगे। तो यहाँ पर देखिए किस तरफ आप ले जा रहे हैं, राइट साइड में ले जा रहे हैं, तो आप राइट साइड में ले जाएंगे तो दो अंक ले गए हैं, तो दो अंक ले जाने के कारण 10 की घात कितना आएगा 10 की घात माइनस 2, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखो कितना बच रहा है यहाँ पर, 10 की घात माइनस 24 पहले से था तो माइनस 24 इसको लिख दिया जाए। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कर लिया जा रहा है, अब कुछ भी नहीं है, अब इसका मान जो है देखिए थोड़ा स्पेस बना दिया जा रहा है, देखिए क्यू स्क्वायर है 256.424 लिखा गया है, इसको आप लगभग कितना मान सकते हैं क्यू स्क्वायर इक्वल टू, इसको पूरा पूरा मान आप मान लीजिए, क्योंकि यहाँ स्क्वायर अभी वर्गमूल लेना पड़ेगा आपको, स्क्वायर रूट लेंगे तो 256 इसका स्क्वायर रूट आप जानते हैं, और 10 की घात माइनस 2 माइनस 24 कितना हो जाएगा 10 की घात माइनस 26। अब देखो यहाँ पर पॉइंट वाले वैल्यू को हमने हटा दिया है तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा मन में, आसान हो जाएगा वैल्यू, इसलिए आप यहाँ पर लगभग लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, एक दो पॉइंट से जो है कम या अधिक होगा तो वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन में जो आसान लगता है कहीं स्क्वायर रूट रहता है तो उसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के रूप में मान लिया जाता है। अब देखो यहाँ पर 256 है
तो अब यहाँ स्क्वायर है तो इधर आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 2 5 6 10 to the power -26 हो गया। अब यहाँ से देखो वैल्यू आसान हो गया है, किसका स्क्वायर रूट है 16 का है, 10 to the power कितना हो गया 26 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना -13 हो जाएगा। अब देखो हमें आवेश नहीं निकालना था, अगर आवेश की बात किया गया होता तो प्रत्येक पर इतना कूलाम आवेश हो जाता है, स्क्वायर रूट है यानी कि प्लस माइनस चिन्ह के साथ आता, एक पर प्लस दूसरे पर माइनस, क्योंकि जब एक गोली से दूसरे गोली पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे तो एक पर जितना आवेश होगा दूसरे पर भी उतना ही आवेश होगा, एक पर प्लस दूसरे पर माइनस। तो यहीं से देखो स्पष्ट हो रही है बात, प्लस एक पर रहेगा दूसरे पर माइनस, लेकिन हमें निकालना है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो जब आवेश का मान पता चल गया है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि फार्मूला इस क्यू के स्थान पर बताइए क्या यूज कर सकते हैं मान, क्यू इसका टू क्या होता है एन इंटू ई होता है। तो यहाँ से 1 6 × 10⁻³⁰, यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन का आवेश भी आपको पता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है तो एन का मान निकाल लीजिए, ये कितना हो गया 16 × 10⁻³⁰ बटे कितना हो गया ई, ई का मान आपको पता है, ई का मान रख दीजिए फिर से 1.6 × कितना आप लिखोगे 10 लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा 16 × 10⁻¹ रहेगा, और इंटू 10⁻³ ये कितना है -13 है, और अपन ई का मान कितना 1.6 × 10⁻¹ कितना -19। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कैंसिल हो जाएगा 10⁻⁠ और -13 कितना 10⁻¹² हो जाएगा, +1 और -13 और 10⁻³ कितना -19। अभी 10⁻⁹ ऊपर कर लीजिए -12 और 10⁻³ कितना +19। तो सॉल्व करने पर देखिए वैल्यू कितना आ जाएगा, +19 - 12 कितना हो जाएगा 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन, 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब पहली जो गोली दी गई है और जो दूसरा है तो पहले से दूसरे पर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे। तब जो है उस कंडीशन में वैद्युत आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में कितना गुना होगा 3.46 गुना होगा। तो ये दो क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए हैं। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, ये क्वेश्चन भी कूलाम के नियम पर ही आधारित लिया है हमने। ये क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, दो बिंदु आवेश कितना है, पहला +9E और दूसरा कितना दिया गया है +E, ई का मान कितना मूल आवेश 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। तो पहला बिंदु आवेश +9E दिया गया है, दूसरा कितना +E दिया गया है, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो सबसे पहले इस कंडीशन को फिगर के रूप में बना दिया जाए, +9E पहला बिंदु आवेश और दूसरा बिंदु आवेश +E एक दूसरे से कितना 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया है 16 सेंटीमीटर, तो टोटल डिस्टेंस जो है आप लिख सकते हैं 16 सेंटीमीटर। अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है, इनके बीच एक आवेश जिसका नाम Q है, इसको कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। तो अब देखिए यहाँ पर Q आवेश को रखना है तो कहाँ पर रखेंगे, इनके बीच ही रखना है, इनके बाहर अगर कहा जाता रखने के लिए तो अलग कंडीशन हो जाता, कुछ कई क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे कि आवेशों के बीच में भी एक तीसरे आवेश को रखा जाता है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के इन आवेशों के बाहर भी रखा जाता है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दिया गया है उसी को फॉलो करते हुए हम क्वेश्चन को लगाएंगे कि इनके बीच एक आवेश क्यू को यानी कि 16 सेंटीमीटर ही बीच में रखना है कहीं पर भी, ठीक है। कहाँ पर रखा जाए तो कुछ डिस्टेंस आप मान लेंगे, मान लिया जाए कि ये +9E आवेश से कितनी दूरी पर r डिस्टेंस पर, इस डिस्टेंस को मान लिया जाए r डिस्टेंस, r डिस्टेंस पर रखा जा रहा है, कहाँ पर इस पॉइंट पर Q को रखा गया, ठीक, कि वह संतुलन में हो जाए। तो सबसे पहले आप ये कंडीशन देखेंगे, अगर +9E आवेश से r डिस्टेंस पर इस प्लस Q आवेश को रखा गया तो अगर यह डिस्टेंस स्मॉल r मान लिया गया है तो ये जो शेष डिस्टेंस बचेगा आपका वो कितना होगा, पूरा कितना है 16 सेंटीमीटर, ये कितना है स्मॉल r, तो ये कितना बचेगा
ये 16 माइनस आर सेंटीमीटर। अब चूंकि सेंटीमीटर में दिया गया था तो ये मान भी आर सेंटीमीटर में होगा, और ये कितना होगा 16 माइनस आर सेंटीमीटर। डिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो इस डिस्टेंस को आपने क्वेश्चन में क्या माना, प्लस 9 ई से कितना आर डिस्टेंस पर। आप इस तरफ से भी मान सकते थे कि प्लस ई आवेश से इस तरफ आर डिस्टेंस पर, तो इधर कितना बढ़ता 16 माइनस आर। तो जिस तरह से आप मानना चाहते हैं उस तरीके से मान सकते हैं, वैल्यू जो आएगा मान में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से देखिए क्या कहा जा रहा है, इस क्यू आवेश को अब रख दिया गया इन दोनों आवेशों के बीच, तो कहा गया है कि ये संतुलन में हो जाते हैं। तो संतुलन में होने का मतलब क्या है, अब आपके पास आवेशों के दो ग्रुप बन जाएंगे और दोनों ग्रुप मिलकर के संतुलन की स्थिति में होंगे, यानी कि इन दोनों का ग्रुप और इन दोनों का ग्रुप, ये दोनों कैसे हैं संतुलन की स्थिति में। कहने का मतलब प्लस 9 ई आवेश और क्यू आवेश के बीच लगने वाला बल और प्लस ई तथा क्यू के बीच लगने वाला बल दोनों समान हैं, और समान होंगे तभी इसको क्या कहा जाएगा, संतुलन की स्थिति में कहा जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं क्या चीज़, प्लस 9 ई तथा क्यू के बीच लगने वाला बल बराबर क्यू प्लस ई, या फिर लिख सकते हैं ई तथा क्यू के बीच लगने वाला बल। इस कंडीशन में ये बराबर हुआ संतुलन की स्थिति में, क्योंकि इस क्यू को इन दोनों के बीच ऐसी जगह पर रखा गया है कि दोनों संतुलन की स्थिति में हो गए हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं संतुलन की स्थिति में, तो संतुलन की स्थिति में इसके बीच इन दोनों के बीच लगने वाला बल और इन दोनों के बीच लगने वाला बल दोनों क्या होगा, समान होगा, तो समान लिख दिया गया है। अब दो आवेश यहाँ पर हैं तो दो आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होगा कूलाम के नियम के अनुसार कितना आप लिख सकते हैं, 1/4π ε0 के लिखिए ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। Q1 Q2 तो Q1 की वैल्यू कितना है 9E, Q2 का मान यहाँ पर कितना है Q बटे R स्क्वायर। अब R का मतलब क्या है, 9E और Q के बीच का डिस्टेंस, R मतलब डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आपने माना है R स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर लिख देंगे फार्मूले में इक्वल टू यहाँ पर प्लस ई और क्यू के बीच लगने वाला बल, तो ई और क्यू के बीच लगने वाला बल वैद्युत बल होगा कूलाम के नियम के अनुसार 1/4π ε0 Q1 Q2, तो Q1 का मान कितना ई, Q2 का मान कितना है क्यू, यही दो आवेश दिए गए हैं बटे आर स्क्वायर का मतलब डिस्टेंस। तो कौन सा डिस्टेंस लेंगे, प्लस ई और क्यू के बीच का, तो ई और क्यू के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर कितना है, ये 16 माइनस आर है, तो 16 माइनस आर इसका स्क्वायर करेंगे। अब ऐसा नहीं कि फार्मूले में आपने रटा है कि 1/4π ε0 Q1 Q2 r² तो r स्क्वायर का मतलब डिस्टेंस, तो जो डिस्टेंस दिया जाएगा उसी डिस्टेंस को हम लेंगे। तो इन दोनों आवेशों के बीच यहाँ पर लिखना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस 16 माइनस आर है, फार्मूले में स्क्वायर होता है तो यहाँ पर स्क्वायर कर दिया गया। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी किया गया। अब देखिए ये दोनों मान क्या हो गए, कैंसिल हो गए, क्यू और क्यू भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इस्माली और इस्माली भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो कितना वैल्यू यहाँ पर बच रहा है, 9/r² यहाँ पर पूरा कैंसिल हो गया, 1/ हर में कितना मान है 16 माइनस r² ठीक, 16 माइनस r² क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना मान आ रहा है, आर स्क्वायर कैसे मल्टीप्लाई होगा, r² पूरे का इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 16 माइनस r² टोटल पूरे का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं आप, स्क्वायर रूट ले लीजिए, r² √ कितना हो जाएगा 9 16 माइनस r² r² ये मान कितना, 9 का कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 3, 16 माइनस आर का ऑल स्क्वायर है तो ये कितना मान हो जाएगा 16 माइनस आर,
मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो गया 16 में 3 से गुणा कर लीजिए 48, माइनस 3 में r से गुणा करेंगे तो माइनस 3r, 3r को इस साइड में कर लीजिए, r माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इसकल टू कितना हो गया 48, 3 और 1 मिलकर कितना हो गया 4, तो 4r इसकल टू कितना 48, 4 से कैंसिल कर दीजिए कितना आ जाएगा 12, यानी कि r इसकल टू 12, 12 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन को आप इसका जो सलूशन है इसको दो तरीके से आप लिख सकते हैं कि प्लस क्यू आवेश को प्लस 9e आवेश से कितना दूरी पर, r का मान कितना है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा, तब ये संतुलन में हो जाएंगे। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर ये वाला डिस्टेंस देखना है तो ये वाला डिस्टेंस रफली फिगर है पूरा, ये वाला डिस्टेंस अगर देखा जाए तो 16 माइनस आर, आर का मान कितना आया है 12, तो यानी कि 16 से आप 12 घटा लीजिए 12 घटा लेंगे तो कितना माना जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन का जो सलूशन है उसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि प्लस ई आवेश से कितना प्लस 4, यानी कि 4 सेंटीमीटर की दूरी पर आवेश क्यू को रखना पड़ेगा, तब ये संतुलन में हो जाएंगे। तो दोनों आंसर आपका सही रहेगा, प्लस 9e से कितना सेंटीमीटर की दूरी पर, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, और अगर कहा जाए तो प्लस e से देखा जाए तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इस वाले मान को r का मान रख करके निकाल लेंगे तो कितना माना जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो ये दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को आंसर को लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इस वीडियो में आप लोगों को 3 क्वेश्चन बताए गए हैं, इसी आधार पर आप और भी क्वेश्चंस लगाएंगे बाद में, आप लोगों को और भी क्वेश्चन, कुछ और टफ क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन आप लोग लगाते रहिए। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अगर कंपैरिजन किया जाए तो कौन कौन से पॉइंट आपको मिलेंगे, तो इसकी संपूर्ण व्याख्या की जाएगी। तब तक के लिए आप लोग क्वेश्चन को लगाते रहें, धन्यवाद।